Professor E.K. Misraji, Vice Chancellor of AKTU. IUPT. और हमारे मंच पर आसीन तमाम सारे अतिथिगण, प्रोफेसर भारतराज सिंह, जिनकी वजह से आज मैं आपके इस इंस्टीट्यूशन में उपस्थित हूँ, साथियों, देवियों, सज्जनों, मेरी मुलाकात प्रोफेसर भरतराज सिंह जी से एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फंक्शन में हुआ, जहां मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फेलो के बारे में विचार करने के लिए ठाकरे साहब आए थे, और उसके बाद उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बड़ा कृपापूर्वक मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर का फेलो भी बना दिया। और अभी मुझे वो दो दिन के बाद वो मुझे उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन उस शाम को जो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तमाम सारे को, मैं खुद भी इंजीनियर पेशे से नहीं, अध्ययन से, मैंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग में बीटेक किया लॉन्ग बैक 1983 में। लेकिन उसके बाद एक भी दिन मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर की, लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग जो मैंने की वो ह्यूमन इंजीनियरिंग की, जो लोगों के साथ काम करके, जो तमाम सारे जिम्मेदारियों के साथ कैसे काम करा सकते, उसकी बात मैंने उस दिन भी रखनी थी। लेकिन जो इंजीनियरिंग का एक दिमाग में जो बैठ गया वो कभी नहीं निकलता, क्योंकि वो तो अध्ययन करने में, और खासतौर से IIT की जिस प्रकार से इतनी गहन अध्ययन होता है, जितनी गहराइयों में घुस करके आप सीखते हैं, वो कभी अपने से पार नहीं हो सकते। और उसी का नतीजा था जो तमाम सारी चीज़ जो हम करते ही रहते हैं, जब प्रोफेसर भरत सिंह जी ने मुझे वहाँ बताया, इन्होंने एरो बाइक बनाई है और उसका वो पेटेंट भी करा चुके हैं, और दुनिया में तमाम सारे जगह आपके उस पेटेंट के वो लोग यूज भी कर रहे हैं, इस पर उन्होंने थीसिस भी, अपनी PhD की थीसिस भी तैयार की, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा, स्वतः एक जिज्ञासा आई कि मैं जरूर आकर के आपको देखूंगा। मैं इंतजार कर रहा था मसरत साहब का, क्योंकि उसके तुरंत बाद अपनी बेटियों से मिलने के लिए विदेश चले गए। मैंने कहा जब भी आप आएंगे, आते ही मैं सबसे पहले भरतराज सिंह जी के पास जाऊँगा और वो देखना चाहता हूँ, मेरे मन में वो सीखने की अभिलाषा है कि कैसे आपकी एरोबाइक काम करे। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मौका दिया जो मुझे आज यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आकर के सीखने का, बहुत सारे काम, इतने सारे हमारे बच्चे इतने क्रिएटिव हैं, इतनी नई नई चीज़ों को उन्होंने देख करके बड़ा अच्छा लगा। न केवल वो एरोबाइक तो एक थी, बट एरोबाइक के अलावा और तमाम सारी ऑटोमोबाइल में ही जो आपने नई नई आविष्कार किए, नई नई चीज़ें निकाली हैं, और दूसरा जो उतना सारा एक पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ इनोवेशंस एक जगह देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने बताया कि तस्वीर जी रमन शंकर आपने तो बना रखा, इनोवेशन का सेंटर एक ने बना रखा, मैं उसको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रकार की चीज सोच रहे हैं। आज हमारा देश बदल रहा है, आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 8 साल में, उन्होंने 8 साल पूरा किया, बस इस 8 साल में देश में इतने सारे परिवर्तन हुए और आप सभी उस परिवर्तन के साक्षी। इनफैक्ट कई बार तो लगता है कि हमारा नया नॉर्मल बनता चला जा रहा है, ये नई चीज बनती चली है, हम सोच भी नहीं सकते कि 8 साल पहले हम कैसे थे, उसको हम भूल चुके हैं। चाहे हमें जैसे गंदगी में रहने की आदत थी, हमें चीज़ों को जो है जैसे चल रहा है चलने दो वाली आदत थी, हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, भगवान के भरोसे है, भगवान करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो अच्छा, ऐसी हमारी एक प्रवृत्ति सी बन गई। हम एक एक्सेलेंस की तरफ, एक अच्छाई की तरफ, एक बड़ी, जिससे कि हम लोगों को अपने जो हमारे नागरिक हैं उन नागरिकों को अच्छी जिंदगी दे सकें, इसकी तरफ कोई सोच ही नहीं, जो हो रहा है होने दो, इंक्रीमेंटल होने दो। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो उनका पदार्पण हुआ 2014 में, क्योंकि मैं खुद साक्षी हूँ, उसका मैं सहभागी भी हूँ, मैंने अपने भारत सरकार में पूरे 7.5 साल तक, पूरे उस अवधि में मैं वहाँ पे रह करके बहुत सारी चीज़ें की है, और करने का मुझे सौभाग्य मिला, मैंने की नहीं बल्कि सौभाग्य मिला, ऐसे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि देश के हर क्षण को सोचते रहते हैं, देश के बारे में कैसे लोगों की जिंदगी को अच्छा बना सके, उसके साथ काम करने का मुझे बड़ा आनंद आया। और आज मैं वापस उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 महीने से मैं उसी लगन के साथ लगा हूँ। जो मैंने उनसे सीखा है, हमारे देश में ताकत बहुत है, हमारी सोच, हमारी विद्वता, हमारी जो, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं खुद जाके विदेशों में पढ़ा हूँ। सिडनी में मैंने पढ़ाई की, एक में हमने पढ़ाई की, अमेरिका में मैंने पढ़ाई की, इंग्लैंड में पढ़ाई की, पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी, विश्वविद्यालय में कनाडा में मैंने पढ़ाया भी, और हर जगह देखा मैंने कि हमारे भारतीयों में जो ताकत है, जो हमारी एक सोच की, जो जिस प्रकार से हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या को कैसे समाधान कर सकते हैं, ये जो ताकत है, हम उस ताकत को भूल गए। जब हम एक बार अच्छा माहौल मिलता वहाँ तो हम फिर अच्छे काम करते हैं, लेकिन अपने देश में वही हम अच्छा काम नहीं कर पाते। लेकिन अब जो माहौल मिला है, इस बने हुए माहौल में, इस नए माहौल में ऐसे तमाम सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आप सोच नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन। क्या आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 के पहले, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, क्या हालत थी? आज हमारा ऐसा नहीं कहता कि परफेक्ट हो गया, परफेक्ट होने जा रहा है। अगले 5 साल में हमारा देश ऐसा हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी देश हो सकता है, ऐसे भी हम हो सकते हैं। और इस काम को करने में इतने सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स, इतने सारे स्टार्टअप और इतने सारे इनोवेटर्स इसमें लगे, कैसे कूड़े को कंचन में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे जो आपकी समस्या थी उस समस्या को एक नए, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो गंदा पानी हो, गंदा कूड़ा हो, हर तरह, इतने सारे नए नए इनोवेशन में केवल स्वच्छ भारत में मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में इनोवेशन हुए। आप जब हम लोग आविष्कार की बात सोचते हैं, हम लोग कोई नई अनुसंधान की बात सोचते हैं, हम सोचते हैं सीधा सीधा वो क्यों नहीं आर्कमिडीज का सिद्धांत निकल जाए, क्यों नहीं वो फिर सीधे न्यूटन का सिद्धांत निकल जाए, या क्यों नहीं ऐसा हमारा जो कोई एक बिल्कुल एक नई ऐसी चीज निकल जाए। नहीं, अनुसंधान क्या होता है, आविष्कार क्या होता है, ऐसी चीज जो कि आपकी जिंदगी को सुधार करता है, जिंदगी को आसान करता है। हम सब, मुझे बड़ा अच्छा लगा साइकिल का, जब मैंने देखा कि गियर बेस आप साइकिल चला रहे हैं, किसने सोचा था कि साइकिल तो हम हमेशा पैडल मार मार के चलाते रहे, उसमें चेन से हमेशा चलती थी, कभी चेन गिर जाती थी, कभी चेन उसको लगा देते, अब आपने जब गियर लगा दिया तो जैसे मोटर हो गई। ये एक छोटा सा सोच जो है परिवर्तनकारी सी सोच है, ये पूरा का पूरा एक कायाकल्प करने वाला सोच है। हम इतनी सारी मुश्किल से जो हम उस चीज को देखते हैं, एक आम जिंदगी में जो हम लोग उसको अनुभव करते हैं, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, हमारी दिनचर्या का कोई चीज संबंध करता हो, हर जगह हम चीजों से जूझते हैं। आज पढ़ाने के मामले में बच्चों को पढ़ाना कितना आसान हो गया, वो भी एक आविष्कार है। पढ़ाने का तौर तरीका जो किस प्रकार से आप पढ़ाइए कि जिससे बच्चे को गहराई से समझ में आ जाए, सिद्धांत, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, बायोलॉजी हो, कोई भी चीज, जो उसको इतना मुश्किल लगता है, रटने की उसको कोशिश करता था, उसकी जगह पे वो उसको गहराइयों में घुस करके देख करके समझ सकता है कि देखो अगर उस समय का ऐसा हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसी थी, उस समय की ऐसी हमारी साहित्य ऐसे थे, उस प्रकार से हमारे शिल्प ऐसे थे, ऐसे जो तमाम सारी जो चीजें थे उसको देखने को, वो भी एक अपने आप में एक आविष्कार है। हमारे टीचर्स की लाइफ इतनी आसान हो जाती है, हमारे बिल्डिंग की कितना स्ट्रेंथ, अच्छा लगा किसी बच्चे ने कहा कि हम अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए कैसे, हम वो करें कि वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या काम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी खेती की तकनीकी को कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम जो घर में हमारे जो तमाम सारे जो हम औद्यानिक फसलें हैं, हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास वो जगह नहीं जहाँ हम अपना जो बैगन भी उगा सके, टमाटर भी उगा सके, हम वहाँ पे शिमला मिर्च भी कर सके, हम अपने लोगों को एक बेहतर पोषक दे सके, लेकिन हमारे लिए आसमान की छत है, हमारे पास वो जगह है जहाँ उसको यूज कर सकते हैं, हाइड्रोफोनिक्स, ऐसे जो तमाम सारी जो चीजें हैं जो आदमी की जिंदगी को बिल्कुल एक आसान बना देते हैं। और ये जिस दिन सोच हमारे अंदर आ जाएगी, हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। एक साथ हम जो मिसाइल भी बना रहे हैं, हम इतने सारे, अब आप, मैं आप सारे लोगों से कहूंगा कि आप जाके देखिए जो भी प्रदर्शनी लगी है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में,
वहां पे अभी दो दिन और प्रदर्शनी चलेगी, सैटरडे संडे को दोनों दिन चलेगी, आज भी और कल भी। वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल देखे, आज ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश की जो हम सारे के सारे जो जितने सारे रक्षा के हमारे सामान होते थे सब हम विदेशों से लाते थे, आज हमारे देश की ताकत बनी कि मिसाइल विदेशों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। आज हमारी ताकत बनी हम तमाम सारी टेक्नोलॉजी विदेशों को दे रहे हैं, वो किसने किया? हमारे लोगों ने किया। उनने सोच थी केवल उन्हें माहौल नहीं मिला था। जो सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जाम्पल आज जो है, देखिए कोविड का जो काल हुआ, दुनिया की बड़ी से बड़ी जो स्थान चकनाचूर हो गए, जो डेवलप नेशन थे जिनके स्वास्थ्य के बारे में आप इंडेक्सिंग करते थे बिल्कुल टॉप पे करते थे, उनकी सारी व्यवस्थाएं जिसको आप सबने हमने देखा है, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे उनकी जीवन की व्यवस्था हो, सब कुछ ही चकनाचूर हो गया। लेकिन हमारा देश उसमें एक विनर देश बनकर निकला, एक आत्मनिर्भर भारत बनकर निकला। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प था कि हम सब लोग मिलकर के कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि देखिए देखते देखते उतने किस्म के मास्क बन गए, वेंटिलेटर्स बन गए, ऑक्सीजन प्लांट लग गए, इतने सारे जो मेडिसिन बन गए, और जो सबसे बड़ी चीज हमारे देश की वैक्सीन हमारे देश में पैदा हुई। नहीं तो हम हर चीज में विदेशों से हम सोचते थे कि क्या चीज हम विदेशों से ला सकते थे, क्या यह संभव था? अगर हम विदेशों से वैक्सीन लाते तो क्या 200 करोड़ हम वैक्सीन दे सकते थे? हमारे अपने प्रदेश में हमने 33 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी है, उत्तर प्रदेश 33 करोड़ वैक्सीन दी है, पहली डोज से दूसरी ला कर, क्या हम 33 करोड़ वैक्सीन दे सकते थे विदेशों से ला करके? नहीं दे सकते। ये होती है हमारी जो है इनोवेशन, अगर हम उसको इज्जत करेंगे तो इज्जत करने से बहुत सारी चीजें निकल करके आ सकती है। मैं अभी बच्चों से जो बात कर रहा था, इनोवेशन किस बात की? इनोवेशन इसलिए कि चीजें हैं हमारे पास, मोबाइल फोन है हमारे पास, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या आप उसको इतना आसान बना सकते कि कोई भी यूज कर सके? वो इनोवेशन है। उसको कितना सिंपल बना सकते हैं, कैसे उसमें सिंपलिसिटी ला सकते हैं, कैसे ईज ऑफ डूइंग कर सकते हैं जिससे कोई भी इसको चला सके, कैसे भी चला सकते हैं, बनाने वाला उसको बिल्कुल आसान बना सकते। दूसरा, कैसे आप उसे अफोर्डेबल बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो अफोर्डेबल हो, हर कोई इसको जो है उसको अफोर्ड कर सकता है। कैसे आप कॉस्ट उसका कम करो? कम कर सकते हैं, अगर आप सोचेंगे तो कॉस्ट को कम कर देंगे। क्योंकि तो देखो हमारा दिमाग तो जो है, भगवान ने जो सबसे बड़ी अमूल्य चीज बनाई वो हमारे दिमाग को बनाई। आप कभी सोचिए कैसे हमारे ऋषि मनीषी इतनी सारी वैज्ञानिक तथ्यों को हमारे ग्रंथों में लिखा है, कहां से वो करते हैं? क्या वहां पे उनके पास वो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो आज की डेट में माइक्रोस्कोप से लेकर टेलीस्कोप से लेकर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर सिस्टम का कितना सारा ज्ञान को सारी की सारी चीज उसको क्रंच करने के लिए जो व्यवस्था क्या उनके पास थी? लेकिन फिर भी वो तमाम सारी ऐसी चीजें लिख गए अपने, चाहे वो खगोल शास्त्र के बारे में हो, चाहे विज्ञान के जो हमारे शरीर के बारे में हो, हर चीज के जितनी सारी उन्होंने चीजें लिख करके वो कहां से लाते थे? ये है हमारा, जैसे कि आप सूरज भी उगा हुआ है, क्या वो आपको दिखता पत्ते जल रहे हैं? नहीं। अगर आप वहां पर कागज रखता जल रहा है? नहीं। लेकिन अगर उसके सामने एक लेंस लगा दीजिए, आप देखिए कि कागज भी जल जाएगा, पत्ता भी जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। यानी उस चीज को उन्होंने ऐसा फोकस कर दिया, ताकत तो है, उस ताकत को केवल घनीभूत करना है आपको, एक उसको एक रास्ते दिखाना है जिस रास्ते से उसका पूरी पूरी ताकत आपको एक केंद्र में जब आ जाएगी फिर देखिए कि क्या आनंद आता है। और ये था हमारे हमारे विद्वान, हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी ये ताकत। हमारे जो ऋषि होते थे, आप अगर पुरानी कहा पढ़िए, हमें तो अपने अपने उस सनातन संस्कृति पे बहुत गर्व है, हमें गर्व की ऐसी चीजें वो देखते जो हम देख नहीं पाते। हम समझने के लिए हमारा बड़ा मुश्किल होता है, जो हमारी वैदिक गणित है उस वैदिक गणित को हमें समझ नहीं, लेकिन वैदिक गणित अगर आप समझ गए तो आज मुश्किल से मुश्किल जो आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री और जो तमाम सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं वो सारी सारी चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब समझने की बात, आपको पाई का थ्योरी के बारे में हर चीजें आपको हमारे वैदिक गणित में कहां से आता था? केवल हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो मनीषी थे, हमारे जो संत थे, वो अपने गुरुकुल में वो हर एक चीज वहां पे कृषि भी करते थे, वहां पे पर्यावरण का भी ध्यान रखते थे, अपने जो चाहे जल का हो चाहे थल का हो,
चाहे आसमान का हवा का हो, हर चीज को स्वच्छ रखने की कोशिश करते थे और वो वैज्ञानिक चीज और साथ में दर्शन भी करते थे, जो हमारे जो कैसे हमारा जीवन क्या है, हमारा आत्मा परमात्मा अध्यात्म हर चीज के बारे में बात करते थे। वो एक अपने आप में इस प्रकार की वो व्यवस्था थी, जो मैंने कहा कि वो सूरज की रोशनी तो बहुत कुछ है, बहुत ताकत है सूरज रोशनी में, पर जो ताकत को आपने केंद्रीभूत कर दिया। हवा बहुत चलती है लेकिन आपने जो जहां विंडमिल में डाला वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी विंडमिल से आप कितनी सारी एनर्जी आप बना सकते हैं, ये हमारे ऋषि महर्षि करते और वो हमारे देश की ताकत है। उस ताकत को अगर हम समझे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दूसरी जो बात हमने बात की वो एफोर्डेबिलिटी की बात, जो एफोर्डेबल कर सके उसको कॉस्ट को कम करे, और तीसरी जो बात हमने की सस्टेनेबिलिटी, चीजों को सस्टेन कर सके। ऐसा रो के आज तो आपने बना करके बढ़िया सच्ची दिखा दिया और कल वो टूट गया, बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, आप उसको सस्टेन कर सके, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको उसको आप उसको चला सके, चल सके, वो स्वतः चल सके, तब तो फिर आपका जो अनुसंधान है बहुत उपयोग का। और अगर वो है कि वो दो दिन वाला है तो फिर वो उपयोग क्या नहीं, वो इतना महंगा है कि कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वो लेबोरेटरी में या किसी अलमारी में वो एक जैसे कि ट्रॉफी लगा देते हैं, उस ट्रॉफी लगा देता है, हमें तो आम लोगों के उपयोग के लिए बनाने की जरूरत है। अगर आप देखें, आप खुद आप जरा एक बार ऑब्जर्व करना चालू करें, अपने घर में ऑब्जर्व करना चालू करें, आपको इतनी सारी चीजें मुश्किल नजर आती हैं, सवेरे से उठ करके शाम तक आपको इतनी सारी मुश्किल नजर आती, एक बार देखिए कि हमको अरे ये काम इतना लगता है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा दांत साफ करना और आसान हो जाए और बेहतर तरीके से दांत साफ कर सके, क्या हमारे जो सुबह की जो हमारी प्रक्रिया उस प्रक्रिया को और आसान कर सकते हैं, क्या हम अपने किसी चीज को आप किसी चीज में जहां आपने सोचना, ये हमारा जो जो मैंने एग्जांपल आपको दिया लेंस की एग्जांपल दिया, इस नाते कि जिस चीज को हमने सोचना चालू किया, हमारा मानव मस्तिष्क इतना रिच है, इतना शक्तिशाली है, आप उसको समस्या दीजिए वो समाधान दे, समस्या ये है कि हम उसको समस्या ही नहीं देते, हम चीजों को मान लेते हैं कि भगवान ने बना रखा, भगवान ने दे रखा, वैसा ही चलेगा और वही था जो पिछले 8 साल से पहले जो हमारी मंत्रगत से जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हम लोग बात करते थे कि 2% 4% से इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो हम एक इंक्रीमेंटल बात करते थे, अब इंक्रीमेंटल बात नहीं होती है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव बात, कायाकल्प की बात होती है। और इसके लिए जो बच्चों में, मैं प्रोफेसर भरतराज सिंह जी आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बच्चों में आपने जो सुविधा जगाई थी, मैं उनसे कहूंगा कि आप उस बात को भी कहिए कि पुरानी चीजों को भी देखो, रिसर्च करो, बहुत कुछ उत्तर हमारे हमारे आज हमारे ग्रंथों के ऊपर विदेशों में लोग रिसर्च कर रहे हैं, तमाम सारे उनके जो सीट ऑफ लर्निंग्स है जो वहां पे होता है, हम अपने चीज को भूल चुके हैं। एक बार आप सोचिए कि देखिए कि कितना सारा चीज आपको, इतने सारे चीजें, जब मैं एक बार मैं वहां तक्षशिला गया, पाकिस्तान में तक्षशिला आप जानते होंगे, तक्षशिला गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखने का मुझे मौका मिला, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें मुझे देखने को मिली जो आज सोच नहीं सकते। आज आप सोचिए कि एक टेबल जो पूरा फोल्ड करके आप बिल्कुल जब आप बनाते हुए उस प्रकार का चीज हमने वहां पर देखा, कितने साल पहले, करीब 2500 साल पहले, जब मैं यहाँ पे गुजरात में वो जो जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का, मैं जस्ट नाम भूल रहा हूँ, वहां में गया लोथल, वहां मैंने देखा कि वो लोग उस समय जैसे कि हम आज की बात करते हैं गर्म पानी ठंडा पानी नहाने का, उसकी कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखा है वहां पे, इतना सारा जो है जो वेस्टर्न हम कहते हैं कि वेस्टर्न ये टॉयलेट का सिस्टम, वेस्टर्न टॉयलेट का सिस्टम उस समय वो लोग यूज करते थे 2000 साल पहले, इस प्रकार का वहां पे उनका जो जो उनकी जो व्यवसाय की व्यवस्था थी, क्या क्या सब चीजें हमारे पास थी, हम उन चीजों को भूल गए। वो ताकत इस देश की ताकत है, वो हमारे युवा वर्ग की ताकत है, हमारे बच्चों में एक बार आपने उस प्रकार की सुप्ता जिज्ञासा जगा दी, फिर आप देखिए कि कितनी बड़ी ताकत उभर करके आएगी, कितने सारे सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे, आप इसका कोई अंत नहीं। और ये है जो हमारा इनोवेशन स्टार्टअप, ये जो हमारी जो देश में एक नई संस्कृति चालू हुई, हमारे देश में मैं सुनता हूँ दुनिया का सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हमारा है, इनोवेशन की लड़ी लगी हुई, और हो सकता है कि आपका सक्सेसफुल ना हो। आपको मालूम है मैडम क्यूरी ने कितने बार मेहनत करने के बाद वो रेडियम का आविष्कार किया था, तो समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करते फिर नई चीज आपको नई चीज सोचने को मिलती है,
लेकिन अगर फोकस क्लियर हो कि हमें ये तीन चीजें करनी है, कॉस्ट घटानी है, हमें इसको सिंपल बनाना है, हमें इसे सस्टेनेबल बनाना है, ताकि हर कोई के लिए सुलभ हो जाए। और जब एक बार आप वो बना देंगे, पेटेंट करेंगे, तो पता नहीं, मालूम नहीं कि आपको कितना सारा उससे आगे उसको कितना सारे लोगों का भला करेंगे, कितने लाख की जिंदगी आप आसान करेंगे। तो ये मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा भरत सिंह जी, आपने जो मुझे यहाँ पे जो बुलाया, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो है इसको आप और आगे बढ़ाइए। आप यहाँ पे आपने बात की कि यहाँ पे मैं प्रोफेसर मिश्रा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ऐसे आपके जैसे जो ऐसे जो नई नई चीज़ों को लाते हैं, इन लोगों का एक समागम हो, इन लोगों की चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शन का मौका मिले, लोगों को दिखाया जाए इसको, इस टेक्नोलॉजी को, जो आप जो नई नई टेक्नोलॉजी करते हैं उसको, आप इसका एक पूरा एक पोर्टल बनाकर उसके माध्यम से लोग लेट द अगर एक बार पेटेंटिंग हो, दूसरे तरफ उसका एक्सेप्टेंस हो। ओके, आपके केवल टेक्नोलॉजी आपने लैब में बना दी, वो टेक्नोलॉजी जब तक कि वो लैब टू लैंड नहीं पहुंचेगी, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, उस टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं। जब वो लैंड पहुंचेगी तो आपका वो पेटेंट है आपको तो आर्थिक फायदा देगा ही देगा, साथ ही साथ बहुत लोगों की जिंदगी को आसान करे, बहुत लोगों की जिंदगी को अच्छा करे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपको, मैं आपने मुझे बुलाया, सम्मान भी किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं शुभकामनाएं ये देना चाहता हूँ, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा पूरा देश मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जो हमारा जो वर्ष 2047 में शताब्दी वर्ष बनाएंगे आज़ादी का, उस अवधि को, अगले 25 साल के अवधि को उन्होंने अमृत काल का संबोधन दिया। कल के भी संबोधन में जब हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एड्रेस कर रहे थे, आप उसको यूट्यूब पर उनके एड्रेस को सुन सकते हैं, उसमें उन्होंने अमृत काल की बात की। वहाँ पे लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को उन्होंने उस अमृत काल की बात की। उन्होंने इस बात को कहा कि आप अपने आप को जाकर के सोचिए 2047 का भारत कैसा होगा। उस भारत के लिए चाहे हम रहें या न रहें, जरूरी नहीं कि हम सारे लोग 2047 होंगे, उम्र के साथ हरेक आता जाता रहता है, लेकिन भारत तो 2047 में रहेगा। अगर आप ये मान के चले कि भारत हमारा 2047 का कैसा होगा, उस भारत के लिए हम क्या करें कि वो वहां पहुंच सके। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और देखते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है, हमारा देश क्यों नहीं वैसा हो सकता, हम उससे कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसी अवधि आई जिस अवधि में हम अपने आप को भूल गए, लेकिन एक बार हम अपने आप को समझने लगे फिर तो ताकत वापस आ गई हमारी। तो हम उस भारत के लिए जो 2047 का भारत है उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और वहां के लिए ये इनोवेशन, इस प्रकार के स्टार्टअप, इस प्रकार की नई थिंकिंग, ये सब कुछ बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे देश का हर नागरिक अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, उसकी सारी ऊर्जा के साथ न केवल अपने परिवार को सुखी संपन्न और स्वस्थ रखे, बल्कि साथ ही साथ अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को बहुत आगे ले जाए। और वो आज पूरी तरीके से संभव नजर आ रहा है, और वो करेंगे कौन, वो हमारे युवा वर्ग ही करेगा। मैं आप सबको अपनी तरफ से पूरी शुभकामनाएं देता हूँ, आपको मैं पूरा आशीर्वाद भी देता हूँ, बच्चों का आशीर्वाद देता हूँ जो अच्छे काम कर रहे हैं, कि आप ये अच्छा काम करते रहिए। एक बार अपने आप को पीछे मुड़ कर देख लीजिए जो पास्ट में किया है, कि आप उन चीज़ों को और आगे ला सकते हैं कि ला सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय।